गुड मॉर्निंग दोस्तों, बीम आप होप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं फारूक खान आपके लिए लेकर आया हूँ अल्कोहलों में विभेद की विहाइड्रोजनीकरण विधि का अर्थ होता है कि अल्कोहल के एक अणु में से हाइड्रोजन के एक अणु अर्थात H2 को बाहर निकालने की क्रिया विहाइड्रोजनीकरण कहलाती है। अगर अल्कोहल है, अल्कोहल आप जानते हैं तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। जो प्राथमिक अल्कोहल होता है, प्राथमिक अल्कोहल में OH क्रियात्मक समूह, अल्कोहल क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस पर दो हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। तो OH क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो अगर उससे दो हाइड्रोजन जुड़े तो इसे प्राथमिक अल्कोहल कहेंगे, ये प्राथमिक अल्कोहल। और यदि OH क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, OH क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हो और कार्बन से दो एल्किल समूह जुड़े हुए हो तो उसे द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। इसी प्रकार अगर OH क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो उस पर कोई हाइड्रोजन अगर नहीं जुड़ा है और तीन एल्किल समूह जुड़े हुए हो तो उस अल्कोहल को कहा जाता है तृतीयक अल्कोहल। तो ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल को अगर अलग अलग पहचान करना हो तो किस प्रकार की जा सकती है? अल्कोहल को अलग अलग पहचानने की एक विधि होती है विहाइड्रोजनीकरण विधि। इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने ये एक प्राथमिक अल्कोहल लिया CH3CH2OH, अल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन ताप पर गर्म कापर की नली में से कापर की नली का में से प्रवाहित करते हैं। तो कापर की नली का में से प्रवाहित करने पर जो प्राथमिक अल्कोहल होता है, प्राथमिक अल्कोहल को अगर कापर की गर्म नली में से या अल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन ताप पर कापर नलिका में से प्रवाहित किया जाता है तो प्राथमिक अल्कोहल में से हाइड्रोजन के एक अणु के निकलने पर एल्डिहाइड बनता है, CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड, और हाइड्रोजन के दो अणु अर्थात H2 गैस बाहर निकल जाती है। यदि द्वितीयक अल्कोहल हो, जैसे हम ये द्वितीयक अल्कोहल ले रहे हैं CH3CH3CHOH, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है इस पर एक हाइड्रोजन है और दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। जब द्वितीयक अल्कोहल, इस द्वितीयक अल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन ताप पर कापर की नली में से प्रवाहित करते हैं तो द्वितीयक अल्कोहल में से H2 गैस के अर्थात हाइड्रोजन के एक अणु के बाहर निकलने पर, यहां से H2 के निकलने पर कीटोन बनता है, C डबल बॉन्ड O, ये दो H और ये दो H के निकलने पर ये कार्बन परमाणु से डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन जुड़ता है जिससे कीटोन बनता है। मतलब प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड बनाते हैं विहाइड्रोजनीकरण करने पर और द्वितीयक अल्कोहल कीटोन बनाते हैं। इसी प्रकार अगर तृतीयक अल्कोहल हो तो तृतीयक अल्कोहल CH3CH3CH3OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से तीन एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। अगर इस तृतीयक अल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन ताप पर कापर की नली में से प्रवाहित किया जाता है तो इसका निर्जलीकरण होता है और इसमें से जल का एक अणु बाहर निकलता है और CH3CH3CH2CH CH2 अर्थात एल्कीन बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन ताप पर कापर की नली में से प्रवाहित करते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड देते हैं, द्वितीयक अल्कोहल कीटोन देते हैं और तृतीयक अल्कोहल एल्कीन देते हैं। इस प्रकार प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में विभेद किया जा सकता है। यह है अल्कोहलों में विभेद की विहाइड्रोजनीकरण विधि। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें।